एक्शन एक्सप्रेशन और एक्सप्लेन तीनों चीज से हमारे संस्कार का निर्माण होता है। क्या बोला मैंने? एक्शन एक्सप्रेशन एक्सप्लेन। मैंने जो रसगुल्ला खाया ना, कितनी टेस्ट, क्या तीनों चीज में कर रहा हूं, इससे संस्कार बन रहा है। क्रोध हर विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हर विकारों की जो हमने एक्शन किया उससे हमारे संस्कार निर्माण। अभी हमें फरिश्त स्वरूप की थोड़ी सी एक्शन के साथ चित्र बनाएंगे, फिर देखना आपके स्वरूप कितना अच्छा बनेगा। और फरिश्ता स्वरूप आप कहीं भी भेज दो, कहीं भी बोलो, अपने घर में भेज दो, या अमेरिका, लंदन, जापान, चाइना, अंतरिक्ष, समुद्र, धरती की किसी भी कोने में भेज दो, आपका काम होने वाला है और फटाफट करोगे। ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, कितनों की अनुभव जिन्होंने, जिनके काम नहीं हो रहा था, फरिश्ता थोड़ा फटाफट काम हो गया। किसकी नौकरी नहीं लग रही थी, फरिश्ता थोड़ा काम हो गया। अभी गोवा में भर्ती हो रही थी, उनके बेटा 2 साल से दुबई में है, नौकरी चली गई है, नौकरी मिल नहीं रहा है। पिताजी ने भर्ती किया, फरिश्ता छोड़ा, दूसरे दिन सुबह फोन आते हैं, पापा नौकरी आज लग गई। दर्द में तड़प रहा था, एक फरिश्ता भेज दिया, सकाश दे रहा है उसको, जैसे फरिश्ता भेजा उसका दर्द गायब। एक बहन जी का एक्सीडेंट हुआ, माता जी का एक्सीडेंट हुआ, उनकी बेटी इधर बैठ के भट्टी कर रही थी, आज एक्सीडेंट इतना हुआ कि चमड़ी सब छील गया है, दर्द हो रही है, लेकिन तुरंत इन्होंने फरिश्ता चढ़ा दिया, यहाँ से वहां तक जाने में कम से कम 1 दिन लगेगा। बोला जाने से पहले मैं भट्टी में तो बैठी हूँ, अभी तो गाड़ी मिलेगी नहीं, तब तक ये फरिश्ता भट्टी कर लेता हूँ। फरिश्ता उन्होंने बना के छोड़ दिया, और जैसे छोड़ा फरिश्ता उसको सकास दे रहा है, माता जी खुद फोन करके कह रही है बेटा अभी आने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जरा भी दर्द नहीं है अभी। इसलिए मैं कहानी ये सुना रहा हूँ जो बाबा ने प्रैक्टिकल हम बच्चों को साक्षात्कार कराया, अनेक जगह पर अनेक आत्माओं के दुख दर्द को मिटाया, वैसे बाप समान बन के हम भी कर सकते हैं, लेकिन अपने संपूर्ण नया स्वरूप बना के संकल्प से। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है।